राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी रसोई में स्पेशली जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, दूध पीने में आनाकानी करते हैं, उनके लिए दो ड्रिंक लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले तो दूध, क्योंकि बच्चों को दूध पीना बहुत कम पसंद है, तो उनको हम कैसे दूध पिला सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगे कि वो दूध से बनी हुई है, तो वो देखते हैं। ये है दूध, आप कोई सा भी ले सकते हैं, फुल क्रीम का भी ले सकते हैं और वैसा भी ले सकते हैं। केले, शुगर, ये हरी इलायची, रू अफ़ज़ा। सबसे पहले हम मिक्सी जार लेंगे, उसमें जितना आपको बनाना है कम ज्यादा केले काट लेंगे। केले का साइज मीडियम है, तो आप एक गिलास अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक केला पर्याप्त है। मैं इसीलिए आपको सामग्री की नाप तौल नहीं बताती कभी भी अपनी रेसिपी में, सिर्फ बनाने का तरीका बताती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कभी लिखेंगे कि मैडम हमें इतने लोगों के लिए बनाना है इतना, वो तो कितना लें, तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि किसी के यहाँ वही चीज़ ज़्यादा खाई जाती है, वही कम खाई जाती है, इसलिए उसका नहीं, मैं सिर्फ आपको तरीका बताती हूँ अपनी रेसिपी में। अब देखिए, हमने केले काट लिए अपने, इसमें हम अपना ये दूध डाल देंगे। अब इसको मिक्सी में, ये देखिए, अब इसके अंदर हम ये इलायची के बीज डाल देंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर हो वो भी डाल दें, मेरे पास इस टाइम इलायची पाउडर है नहीं, इसलिए मैं नहीं डालूंगी। हाँ, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने मैंगो शेक की रेसिपी शेयर की थी, तो मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, तो मेरे बच्चों ने पिया नहीं था। अब इसके अंदर आप चीनी डाल दें। अगर आप चीनी थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं और इसको थोड़ा ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें शहद का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो खजूर आते हैं ना। इसमें थोड़े से ये टुकड़े रहने देना, ये जब मुंह में आते हैं ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए, हमारा बनाना शेक बनके तैयार है। अब दूसरा वाला जो ड्रिंक है वो मैं आपको कैसे बनाती हूँ, उसमें हमें मिक्सी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर लाइट नहीं है और बच्चों को दूध पिलाना है तो आप कैसे पिलाएंगे। ये हमने दूध ले लिया, एक गिलास चीनी। अब इसको मिक्स कर लीजिए, अगर लाइट नहीं है और दूध पिलाना है बच्चों को। देखिए, हमारी चीनी इसके अंदर बिल्कुल मिल गई है। हम थोड़ा सा रू अफ़ज़ा डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा। देखिए, दूध का कलर बिल्कुल चेंज हो गया और स्वाद भी बढ़ गया। ये देखिए, देखिए इस चिलचिलाती गर्मी में हमारे दोनों ड्रिंक तैयार हैं और दोनों ही फायदे। रू अफ़ज़ा है वो भी आपको पता ही होगा कि फलों से ही बना होता है, और ये बनाना शेक है। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते तो आप मेरे कहने पे अपने बच्चों को एक बार बना के
अवश्य पिलाएं। आपके बच्चे दूध पीने लगेंगे, बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेंगे दूध पीने में। अगर आज की ये ड्रिंक आपको जरा थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना। बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए। अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।